राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने देशव्यापी तहसील स्तर पर निजीकरण और किसान विरोधी कृषि बिल के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन और भारत बंद का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया। भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की तेजी और गरीब जनमानस विरोधी सरकार बताते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मोदी सरकार, योगी सरकार और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसीएम तृतीय एके जैन को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर कृषि बिल को वापस लेने के साथ सरकारी उपक्रमों का निजीकरण बंद करने की अपील की है। भाजपा को महिला सशक्तिकरण के वादे को याद दिलाते हुए महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का सम्मान और अधिकार देने की अपील की। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने धरना प्रदर्शन कर कहा कि देश में निजीकरण द्वारा एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। मैं अजिंद सिंह सूर्य, स्टेट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज जो ज्ञापन दिया है वो किस संदर्भ में दिया है और किस तरह की मांग की है? आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज तहसील परिसर आगरा में एक धरना शांतिपूर्वक दिया जा रहा है। मुख्य रूप से जो आज समाज में चल रहा है और जो हालात हैं देश के, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, क्योंकि सरकारें पीपीपी के नाम पर निजीकरण कर रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा अत्यंत महंगी हो गई है जो कि एक आम आदमी की अपनों से बाहर जा रही है। साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, साथ ही साथ जो हमारे किसान के जो बिल हैं जिसमें कि जो मूल्य संवर्धन को लेकर उसमें जो दिक्कतें चल रही हैं और जो किसानों को जो उनका उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में चूंकि किसान अन्न का उत्पादक है, उसके कुछ अधिकार हैं, उसके हक और हकूक हैं, उसे हक और हकूक को छीन कर जबरदस्ती उन पर जो धोखा व्यवस्था थोपी जा रही है, उसके विरोध में चूंकि ये जनमानस उनके साथ है और जो किसान हमारे विभिन्न बॉर्डर पर अपना धरना दे रहे हैं और उनके ही सहयोग में आज हम लोग यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्थन में हम लोग दे रहे हैं। इस संबंध में अनेक संबंधित में निजीकरण को लेकर, किसानों को मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, आरक्षण को लेकर, मूल जो हमारे पद हैं उनको खाली पद पर बैकलॉग की नियुक्ति को लेकर, ऐसे ऐसे अनेक मांगों को लेकर 10 बिंदु की मांग पत्र आज हमने यहाँ पर देने के लिए आसन किया है और माननीय डीएम साहब ने एसीएम साहब को नामित किया है जो ज्ञापन लेने यहाँ पर हमारे आएंगे और हमारा ये महामहिम राष्ट्रपति के नाम और माननीय प्रधानमंत्री के नाम और माननीय मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है जी। हम 10 मांगों को लेकर के यहाँ आए हैं। जो कानून, जो किसानों के विरुद्ध किसान कानून बनाए गए हैं 3, उनको हम चाहते हैं कि वापस किया जाए। किसानों को हम समर्थन करते हैं क्योंकि अगर ये कानून लागू हो गए तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न गरीब लोगों का होगा, जो कि नहीं सबका तो होगा लेकिन गरीब खास करके ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होगा, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी इतनी करते हैं कि कभी महीने में 15 दिन कर ली, 8 दिन कर ली, मिलती नहीं है पूरे महीने, तो मजदूरी करेगा आदमी तो मान के चलिए कि राशन गेहूँ 100 रुपये किलो तक का आटा हो सकता है। जैसे कि आज कीमत है महंगाई की, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि कह नहीं सकते, जबकि अभी कृषि कानून लागू नहीं हुए। जब कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो क्या होगा, गरीब तो भूखा मरेगा, खाना रोटी एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगा, 2 वक्त की तो अलग रही। इसलिए हम तीनों कृषि कानून जो है वो निरस्त किए जाएं और खास करके महिलाओं के लिए जो समान अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, जब ही हमारे देश की उन्नति होगी, जब हमारी सभी महिलाएं बराबर होंगी पुरुषों के, बराबर सारे अधिकार महिलाओं को दिए जाएंगे। और हमारा शिक्षा के लिए भी हम चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा का निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि शिक्षा से भी ज़्यादातर गरीब पिछड़ा वर्ग ही रह जाता है। जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, तो वो तो किसी भी हाई फाई स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा करा सकते हैं, लेकिन गरीब वही फिर वंचित रह जाता है, तो उसकी उन्नति कहाँ से होगी? जब वो गरीब अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा, बच्चे जा ही नहीं पाते, सरकारी में जाते हैं तो सरकारी में तो शिक्षा का स्तर इतना है कि कोई पढ़ाई ही नहीं होती है, बच्चे बस लाइन ले प्लेट थाली लेके अपनी खाने के लिए ही जाते हैं, खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तो जब तक हमारे देश में शिक्षा समान नहीं होगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का स्तर बराबर का होना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले बीएल चंद्रा, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, आज हम लोग तहसील के प्रांगण में इस मकसद से इकट्ठे हुए हैं कि सरकार विरोधी हम ये 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन और एसीएम थर्ड साहब को ज्ञापन महामहिम के नाम सौंपने जा रहे हैं। साथियों, 3 कृषि कानून
सीएए एनपीआर एनआरसी के विरोध में, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वास्थ्य सेवा का राष्ट्रीयकरण, ईवीएम वोटिंग मशीन बंद करने का हेतु, महंगाई के विरोध में, निजीकरण के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, महिलाओं के सम्मान भागीदारी मिले, विद्युत व्यवस्था का निजीकरण होना चाहिए, विद्युत व्यवस्था प्रणाली राष्ट्रीयकरण होने के राष्ट्रीय महोदय को ज्ञापन पत्र देने का आज काम साथी हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये ज्ञापन आज भारत के करीब करीब 37 प्रदेशों में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, जैसे तहसील में, कलेक्ट्रेट में, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जनता के हित में कि सरकार ने जैसे कृषि कानून बना करके किसानों का हित, शिक्षा का निजीकरण, कई डिपार्टमेंटों का जैसे कि निजीकरण करने ये लोग जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण हो, जिससे कि संविधान के तहत जिन लोगों का आरक्षण का फायदा है उन निजीकरण के बाद में सारे लोग बेकार हो जाएंगे। उनका उद्देश्य भी यही, इनका मकसद अच्छा नहीं है साथियों, इसलिए मैं मजबूर होकर के आज ये ज्ञापन महामहिम ग्राम पहुँच करने का कार्य कर रहे हैं।